आप जी, जी नहीं भाई, ये बताएं आपकी शायरी आप खुद लिखते हैं अपनी फोक की? नहीं, मैं शादी से पहले ना मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में भी कहा है, और जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो भी हैरान होता है कि शादी से पहले मैं पोएट्री खुद लिखता था, लेकिन जब से मैंने शादी की है, मेरी वाइफ मेरे घर आई है, वो शायरी चली गई है। मेरा ख्याल है उससे पहले आप हिजर में बैठा करते थे, उसकी शायद यही वजह हो सकती है। अब शायरी मेरे उस्ताद हैं, वो कहते हैं जब हिजर खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में बीवी आ गई है और शायरी चली गई है। आप शायरी बुलाने के लिए बीवी को निकाल चाहिए। आपके भाई हैं, आपके भाई हैं, छोटा भाई, ये आपको बेचते हैं? कितने में बेचा है इस बार भाई को? इस बार चैटी वालों को बेचा है, पाकिस्तान के नाम पे बेचा है इस बार? नहीं, बेचते तो खैर ये जरा डिफरेंट सर मॉडल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे दाम में बेचते हैं। दाम तो खैर नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कोशिश करते हैं हर चीज एक अच्छे तरीके से अपने म्यूजिक को जो है। हम बड़ी फनी क्लिप में बना रहे थे, अभी बीच में आप लोग आ गए तो कट लग गया है। आप उधर मिडिल में आ रहे हैं, मिडिल में आ रहे हैं यार, तनवीर ना भाई, भाई आप बैठे हैं, आपसे तो हमने ये मीठी गुफ्तगू करनी है और ये सोशल पे वायरल हो रही है ना, किधर वायरल? इसने नई भाई को चैटी वालों के हाथ पाकिस्तान नहीं बेच दिया, यही टाइटल लिखना है भाई, फिर ही बिकेगा ना। टिकट कितना है? 20 पाउंड, बस यही हमने आर्टिकल में लिया। छोटे थोड़ा और कम पाए, हम तो 75 पाउंड अगले जहान के लिए बेचे। हाँ, बस 3, 2, 1, रेडी स्टडी।